हेलो क्लास सेवन बेटा, चैप्टर हमने फिनिश कर लिए थे। अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हाँ देखिए, सब पढ़ रखा है, बस फटाफट करना ही है हमें ना। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, थोड़ा सा जूम करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ए है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन द ह्यूमंस आर। न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या हैं? देखिए आंसर में, आंसर इसमें दे रखा है, पढ़ रखा हमने सब, केवल करना है फटाफट। तो क्या क्या स्टेप्स हैं भाई? देखिए पांच कॉलम है इसमें, तो पांचों हमने डिस्कस कर रखा था। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये पांच स्टेप्स आपसे डायरेक्टली यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना पूछ के आपके आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द ह्यूमंस। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इसके आप पहले वाले लेटर से भी इसको याद कर सकते हो। पहले वाले लेटर है आई डी ए ई ई, आई डी ए डबल ई। आई मतलब इंजेशन, डी मतलब डाइजेशन, ए मतलब एब्जॉर्प्शन, ए मतलब ए ए बी है सॉरी ए ए ई, एसिमिलेशन और लास्ट वाला इंजेशन, आई डी डबल ए ई। ठीक है ना, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। दूसरा बी क्या है, बी क्वेश्चन क्या है? यही है, बी वाला यही शुरू है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज व्हाट? लिवर। वी विल डिस्कस्ड इट कि जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में वो कौन सा होता है? लिवर होता है। सी क्या है? द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है स्टमक, और कौन सा जूस निकालता है जो खाने पर डायरेक्ट असर करते हैं? तो डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है ना। डी क्या है? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड। जो छोटा वाला इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसके इनर वॉल में मतलब अंदर की तरफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, उंगलियों की तरह होते हैं, उनको क्या कहते हैं? विली। दे आर कॉल्ड विली। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डायरेक्टली याद करना चाहिए और लर्न होना चाहिए हर टाइम, आपको कोई पूछे तो बता सके। ये फिल इन द ब्लैंक्स ना पूछ के डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर, ओके, विली, दैट दे आर कॉल्ड विली। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन वेयर? फूड बॉक्यूल। ये भी हमने डिस्कस किया अभी रिसेंटली, जब चैप्टर खत्म हुआ था तभी अमीबा के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना, वो भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ कुछ बनाते हैं और उसमें फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसमें जूस पहुंच के उसको फूड को ब्रेक कर देता है जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखते हैं डाइट, पहला देखते हैं ए। डाइजेशन इज ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक, दिस इज फॉल्स। क्यों? इसमें तो टी और एफ, टी एफ सब में लिखेगा क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आपको बताना है। तो पहला फॉल्स है, स्टार्च का जो पाचन होता है, डाइजेशन स्टार्ट स्टमक में नहीं, माउथ में ही शुरू हो जाता है। सलाइवा से ही कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टार्च का पचना शुरू हो जाता है, हमने डिस्कस किया था। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, ये ट्रू है। जो जीभ होती है हमारी, मुंह में सलाइवा जो लार होता है, वो खाने के साथ मिक्स करने में उस लार को कौन सहयोग करता है? हमारी जीभ सहयोग करती है। सो सेकेंड वन इज ट्रू, सेकेंड वन इज ट्रू। ओके, तीसरा क्या है? द गॉल ब्लैडर टेम्पररली स्टोर्स बाइल, ये भी ट्रू है। जो गॉल ब्लैडर होता है हमारा, वो टेम्पररली बाइल जूस को या बाइल को स्टोर करता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। चौथा क्या है? द रिमेनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इन टू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, ये भी ट्रू है। हमने डिस्कस किया था ना कि अंदर जाता है एक पोर्शन, एक जगह होती है, वहाँ से फिर रिवर्स करके उसको चबाता है। ठीक है ना, रिमेनेंट्स जो होते हैं वो करते हैं ऐसा। तो ये मतलब पहला ही फॉल्स केवल था, बाकी तीन ट्रू निकले हैं। क्वेश्चन नंबर टू हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। देखिए टिक ए, यस, मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एक सेकेंड,
ये दो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, ए एस लिखना है जहाँ करेक्ट है, हाँ ए एस, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, चार ऑप्शन है स्टमक, दूसरा ऑप्शन है माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहाँ से कहाँ पचता है पूरी तरीके से, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट जो है कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन वेयर, ये सारी चीज़ याद होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था आपसे, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द, अच्छा खाने से जो जो अब जो जो बिना पचा हुआ खाना है अनडाइजेस्टेड फूड, उससे वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, चार ऑप्शन स्टमक है, फूड पाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। कॉमन आंसर इसका क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा। हमने डिस्कस किया था लास्ट समय में कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो नॉर्मली फैट को पचाने में काम आता है, ये हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं बेटा, मैच करना है, कॉलम वन कॉलम टू में दिया हुआ है। फूड कंपोनेंट्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, फूड कंपोनेंट मतलब इस इनके पचने पे क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है, ये मैच करना है हमें। देखिए आंसर दिए हैं, एक सेकेंड, तीन है, देखिए इसका अच्छा ग्लिसरॉल यहाँ छिप गया होगा, वही मैं कहूँ कहाँ गया है ग्लिसरॉल, क्योंकि ऊपर वाले में ग्लिसरॉल दिख रहा है ना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और नीचे वाले में जब आंसर इन्हें दिया है तो फैटी एसिड एंड तो मुझे दिख ही नहीं रहा था कहीं, लेकिन ये इधर दिया हुआ, देखिए टेबल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन से जस्ट पहले एक ग्लिसरॉल यहाँ आ गया। चलिए कोई नहीं, समझिए इसको, हमने समझाया भी था लेकिन फिर एक बार फिर से समझिए। देखिए आंसर पे नहीं आना, सीधे पहले क्वेश्चन देखते हैं, फूड कंपोनेंट्स हैं और पचने के बाद क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या बनाएगा, शुगर बनाएगा, प्रोटीन क्या बनाएंगे, अमीनो, अब केवल इतना ही आपको पता हो ना कि कौन किससे मिलके बना हुआ या कौन किससे बना हुआ, तो वैसे भी आप आंसर करते हो। कार्बोहाइड्रेट देखो, शुगर जो चीनी हम यूज़ करते हैं, दे आर ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन किन से मिलके बना होता है, अमीनो एसिड से, तो ये अमीनो एसिड बनाएंगे। अब एक ही ऑप्शन होता है, फैट क्या बनाएंगे डाइजेशन के बाद, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएंगे। तो ये तीनों का आंसर हो गया, आंसर दिया भी है देखिए, हाँ कार्बोहाइड्रेट शुगर प्रोटीन अमीनो एसिड फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, अब फाइव पे आते हैं। फाइव आपको खुद करना है क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, चलिए फाइव भी देख लेते हैं। सी वाटर विली, अभी हमने डिस्कस किया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन, कहाँ होते हैं और उनका फंक्शन क्या है, आंसर देखिए। विली आर टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, नीचे नहीं ऊपर है, विली आर टिनी, सॉरी विली आर टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओरिजिनेटेड फ्राम द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, इंटरनल पार्ट में मतलब इंटीरियर वॉल में, दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, वो सर्फेस एरिया बढ़ा देते हैं किसके लिए, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सर्फेस एरिया बढ़ा देते हैं। द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन साइड द विली कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, और वो जो विली होती है उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट जो डाइजेस्टेड फूड से होते हैं उनसे न्यूट्रिएंट को निकाल लेती है, ठीक है ना। तो विली क्या करता है, विली सरफेस एरिया बढ़ा के पहले डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा, जब डाइजेस्टेड फूड अंदर आ जाएगा तो उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे जो पचा हुआ खाना है उनसे। देखिए ब्लड सेल्स इसमें दिखाया हुआ है, ब्लड वेसल्स जो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ है, ठीक है। ठीक है इतना करिए आप, क्वेश्चन नंबर सिक्स से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क, थैंक यू।